Good morning, students. Last time we had understood till first question answer of log question answers. Now let's continue with the question answers. Question number 2. What is solar eclipse? Draw its diagram. Solar eclipse kya hota hai aur uska diagram draw karna hai. Answer. When the moon comes in between the sun and the earth, it casts its shadow on the earth. जब भी मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो मून का शेडो अर्थ पे बनता है. द पीपल इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी द सन एट ऑल और कैन सी इट ओनली पार्शियली फॉर सम टाइम. इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ के कुछ पार्ट्स में जो पीपल हैं वो सन को या तो पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं या फिर पार्शियली मीन्स थोड़ा सा नहीं देख पाते हैं, एंड दैट इज़ ओनली फॉर सम टाइम. This is called solar eclipse. तो इसको क्या कहते हैं, solar eclipse. So after the answer you have to draw the diagram. Diagram you will draw only with pencil and उसके लिए जो भी आप लिखोगे उसमें वो सब pencil से ही होता है, always remember that. Think and answer. What would happen if there was no moon? अगर moon होता ही नहीं तो क्या होता. Answer. If there was no moon, देयर वुड बी नो टाइड्स. मून नहीं होता तो टाइड्स भी नहीं बनते. हमें बताएं हाई टाइड एंड लो टाइड है वो मून की वजह से होता है. टाइड्स आर कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून. मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसी की वजह से टाइड्स बनते हैं. द टाइड्स आर यूजफुल टू शिप्स. जो शिप्स हैं उनके लिए टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वेन देर इज़ अ हाई टाइड देर इज इनफ वाटर टू लेट द शिप्स कम इजिली टू द पोर्ट. जब हाई टाइड होती है तब इतना वाटर होता है कि शिप है वो पोर्ट तक आराम से आ सकती हैं. द नॉलेज ऑफ द टाइड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फिशरमैन बिफोर गोइंग आउट फॉर फिशिंग. जो टाइड्स का नॉलेज है वो फिशरमैन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो फिशिंग पे निकले उसके पहले उसको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइड होगी और कब होगी. In a low tide, they cannot bring their boats back to the shore because the sea water recedes away from the shore. क्या होता है कि जब लो टाइड होती है तो फिशरमैन जो हैं वो अपनी बोट को वापस किनारे तक नहीं ला पाते हैं क्योंकि वाटर है वो कम हो जाता है. हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. हाई टाइड से उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी बहुत हेल्प मिलती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. लो टाइड होने के टाइम पे शोर पे पानी कम हो जाता है इसलिए बोट है वो तब शोर पे लाना डिफिकल्ट हो जाता है. सो टाइड है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और अगर मून नहीं होता तो टाइड से वो भी नहीं होती. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज आई एक्सप्लेन्ड. थैंक यू.